में भारत 17 को जोड़ो यात्रा पहली वर्षगांठ पर गुरुवार 7 सितंबर को पूरे देश में कार्यक्रम के आयोजन की घोषणा की है। कांग्रेस ने 7 सितंबर को पूरे देश में 722 भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। ठाणे जिले में 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक आयुष्मान भव मुहिम शुरू की जानी है। इसके तहत 16 लाख जरूरतमंद लोगों को आयुष्मान गोल्डन कार्ड मुफ्त में दिया जाएगा। इसके तहत साल में 5 लाख रुपए का इलाज फ्री रहेगा। उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा का शिवलिंग के अर्घ्य में हाथ धोने का वीडियो वायरल होने के बाद इसको लेकर विवाद पैदा हो गया है। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमले बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री शिंदे ने अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल से फोन पर बात की और उनसे अनशन खत्म करने की अपील की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राजघाट के गांधी दर्शन परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और कहा कि उनके द्वारा दिखाए गए पथ से ही विश्व शांति के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। ओलंपिक क्रिकेट को शामिल करने का फैसला भारत पाकिस्तान के बीच विश्व कप में होने वाली मैच के बाद 15-16 अक्टूबर को हो सकता है। 100 से अधिक IOC मेंबर 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक में नए खेलों को शामिल करने के लिए मुंबई में वोटिंग करेंगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु अपने साथ बुजुर्ग बच्चे और दिव्यांगजन को ना लाए, इसके लिए मंदिर प्रबंधक ने श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसरो ने आदित्य L1 की ऑर्बिट दूसरी बार बढ़ाई। अब इसकी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी 40,225 किलोमीटर 10 सितंबर को तीसरी बार ऑर्बिट बदली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करने भोपाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों से मुलाकात की और उनके हुनर को परखा, साथ ही बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के गुरु सिखाए। G20 समिट को लेकर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने 8, 9 और 10 सितंबर को छुट्टी घोषित की है। इन दिनों में दिल्ली सरकार MCG के सभी दफ्तर बंद रहेंगे। इसी के साथ 3 दिनों के दौरान दिल्ली के सभी स्कूल भी बंद रहेंगे।